बाटे में, जहाँ पे उन्होंने जाने जाने में अपलोड कर दिया, मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज होने के बाद वो अरेस्ट हुआ, हाईकोर्ट तक उसकी जमानत दी, उसका भविष्य भी खराब हुआ और जो प्रॉब्लम वैसे लोकल लेवल पे फेस करनी पड़ी वो तो करनी पड़ी। इस और जरूर विशेष ध्यान दें, कोई ऐसी चीज जाने अनजाने में आपके समक्ष भी आती है या कहीं से आ जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया का ये बाउंड्री लेस है, ऐसा तो है नहीं कि बाड़मेर वाले बाड़मेर में ही करेंगे, आज कोई यूएसए में बैठा, कहीं भी बैठा कुछ भी कर सकता है, सोशल मीडिया पे आ सकता है, तो कोई बात ऐसे आपके संज्ञान में भी आती है उसको तुरंत प्रभाव से रिएक्ट करके उसको आप अपना वर्जन जरूर दें। एक कम्युनिटी की तरफ से कुछ आता है तो उसके प्रबुद्धजन अगर साथ के साथ उस सोशल मीडिया पे, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे फेसबुक पे, उस पर अगर अपना साथ के साथ कमेंट डाल दें भी, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और ऐसी बातों में आने का कोई मतलब नहीं है, अपने समाज वाले लोगों को भी समझाएं, साथ में ऐसा अपलोड भी करते, तो मेरे हिसाब से काफ़ी स्थिति वहीं की वहीं कंट्रोल। तो मेरा विनम्र आग्रह है आपसे, ऐसी ये फोन वाला सिस्टम ऐसा है अब सभी के पास, बच्चों के पास क्या और के पास, छोटे बच्चों सभी के पास इंटरनेट 4G फैसिलिटी सभी के पास, उनको अपन एक एजुकेट भी करें कि क्या चीज़ देखने वाली है, क्या चीज़ अपलोड करने वाली है, ऐसी चीज़ों से कैसे अपन ने किनारा करना है, ये कृपया आप सभी ध्यान दें, ताकि अपना जो सौहार्द है बाड़मेर का, जिसके लिए अपन मशहूर हैं पूरे विश्व में, वो अपना बना रहे और कहीं भी ये सौहार्द खतरे में ना लीजिए, और प्रशासन को भी सहयोग कीजिए और किसी भी प्रकार की अफवाह में विश्वास नहीं रखें, प्रशासन से संपर्क बनाए रखें। और मुख्य रूप से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय जो युवा वर्ग के लोग हैं उनको मैं अपील करना चाहूँगा कि किसी के बहकावे में नहीं आए, और ऐसी कोई कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ हम किसी को भी या तो इंडिविजुअल रूप से या ग्रुप में शेयर नहीं करें, जिससे कि किसी समुदाय विशेष की भावना को आहत पहुँचे और उसमें किसी भी प्रकार का घटना अनहोनी का नहीं हो। जुल के आपसी सौहार्द का बाड़मेर का पूरा इतिहास रहा है, अच्छा सौहार्द का, वो इतिहास को कायम रखें, और कोई भी ऐसी कोई भी बात होती है, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे कोई भी ऐसी बात आती है, उसका तुरंत प्रभाव से आप प्रशासन को भी बताएं, उसका सहयोग करें, और किसी भी बात पे, अफवाह पे, भ्रमित होने वाली अफवाह पे ना जाके आपसी सौहार्द बनाए रखें।